ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। बुध प्रदोष व्रत बहुत खास माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। बुधवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत की विशेष खासियत है। प्रदोष व्रत हर माह के त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। आज के दिन सुबह से रवियोग बना है। बुध प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करते हैं और बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और शिव कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। बुध प्रदोष व्रत की खास महिमा होती है। इस दिन व्रती को कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। ज्योतिष के अनुसार हर माह की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पूजा व्रत करने से शिव पार्वती सब गणपति की विशेष कृपा बरसती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने पर विवाह, वैवाहिक जीवन और आर्थिक मामलों में आ रही परेशानियों का अंत होता है। बुध प्रदोष व्रत शिव पूजा मंत्र ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जरा जन्म दुखौद तात्प्यामान प्रभु पाहि आपान में शंभो। बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में होती है। इस दिन सुबह शिव जी को याद करके व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। इसके बाद शाम के शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। उसके बाद सफेद चंदन का लेप लगाएं। महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शनि का पत्ता, सफेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनें। फिर घी का दीपक जलाएं और शिव जी की आरती करें। इसके बाद पूजा का समापन क्षमा प्रार्थना से करते हुए शिव जी के सामने अपनी मनोकामना व्यक्त कर दें। इसके अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद फिर से शिव जी की पूजा करें। फिर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। प्रदोष व्रत पूजा सामग्री गंगा जल से भगवान शिव को अभिषेक करें। दूध, आग के फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत, रोली, मिठाई और अन्य पुष्प, सफेद चंदन आदि सभी चीजों की जरूरत होती है। जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग और आरती करने के सामान की जरूरत होती है। इसके साथ ही माँ पार्वती को चुनरी और सुहाग सामग्री जरूर चढ़ाएं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। माँ की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का अस्तवन करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हों यह व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को करने से सब प्रकार के दोष मिट जाता है। प्रदोष व्रत विधि के अनुसार दोनों पक्षों की प्रदोषकालीन त्रयोदशी को मनुष्य निराहार रहें। निर्जल तथा निराहार व्रत सर्वोत्तम है, परंतु यदि यह संभव न हो तो नक्त व्रत करें। पूरी दिन सामर्थ्य अनुसार हो सके तो कुछ न खाएं, नहीं तो फल लें।
अन्न पूरे दिन नहीं खाना। सूर्यास्त के थोड़े 72 मिनट उपरांत हविष्यान ग्रहण कर सकते हैं। शिव पार्वती युगल दंपति का ध्यान करके पूजा करके प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। सूची बोले, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा तथा विधि सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें, हरे वस्त्र पहनें और हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर जी का पूजन धूप दीप बेलपत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ लोटे का से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वह काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हमशक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय, भोले शंकर की जय। आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरे, ओम शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजी हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजी। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुरे भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अच्छे माला बन माला मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेत
पीतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे सैनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करिके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरिता जग करिता जग हरिता जग पालन करिता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ए तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा बोलो उमापति महादेव की जय।